वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयूर शर्मा राइडिंग। आप लोगों को तो पता ही है कि हर किसी का एक ड्रीम होता है बाइक को लेकर, और मेरी फर्स्ट बाइक आई थी 2017 में। मेरा पहला ड्रीम पूरा हुआ था मई 2017 में। तो उसके बाद मैंने बाइक राइड शुरू की थी। मेरा यूट्यूब चैनल तब नहीं था। एक साल तक मैं सिर्फ बाइक से घूमता था और कुछ फ़ोटोज़ लेता था और कुछ वीडियोज़ लेकर मैं फेसबुक पर अपलोड कर देता था। तो ऐसे ही मुझे कुछ पुराने फ़ोटोज़ मिले जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये मेरे दोस्त की बाइक है विक्रांत, जो मैंने टेस्ट राइड लिया था। उसके बाद मुझे ये बाइक बहुत अच्छी लगी थी और मेरे पोस्चर के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ये बाइक मुझे परफेक्ट आई। हालांकि मेरा ड्रीम था कि मैं R15 खरीदूँ, बट मेरा बजट नहीं बन पाया था तो मैंने ये बाइक नहीं खरीदी और V15 मैंने फाइनलाइज़ किया था। बजाज V15 उस समय बहुत ट्रेंडिंग थी और मेरे दोस्तों के साथ मैं बहुत घूमा एक साल तक। बहुत इन्जॉय किए हम लोगों ने बाइक राइड्स। और यूट्यूब चैनल नहीं था फिर भी हम लोग बहुत खुश थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब से ही आपका पैशन होता है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ मैं बहुत घूमा हूँ, कुंदन के साथ। और अकेला ही मैं कई बार सोलो राइड भी किया हूँ, जैसे कि देख रहे हो आप लोग पिक में। मैंने बहुत सारी सोलो राइड भी की थी उस समय, टूरिंग भी किया था। ये बैग थोड़ा सरक गया है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, फ़नी लग रहा होगा। तो मैंने बहुत टूरिंग भी की है उस समय। हालांकि मैं V12 देखने गया था बट मुझे वो पसंद नहीं आई और मैंने V15 फाइनलाइज़ की। महाराष्ट्र में भंडारा से मैंने बाइक परचेस की थी। ये मेरे भाई की बाइक है डेजलर, जो मैंने चलाई थी। तो उसकी एक पिक अवेलेबल है मेरे पास, कुछ फ़ोटोज़ रखे जो मैं आपको दिखाया। ये दशहरे की फ़ोटो है, जो मैंने फर्स्ट टाइम जो दशहरा आया था बाइक लेने के बाद, तब की ये फ़ोटो है। और महाकाल का स्टिकर मैंने बनवाया था उस समय। ये मेरा दूसरा स्टिकर था मेरी बाइक पर। मैं हर साल अपने बाइक पर स्टिकर चेंज करते रहता हूँ। ये मेरा सबसे पहला स्टिकर है, त्रिशूल है और जय महाकाल लिखा है। ये मुझे उतना पसंद नहीं आया था, बाद में मैंने इसे चेंज कर दिया। अकोला में मैं डेजलर से बहुत घूमा हूँ, होंडा डेजलर मेरे भाई की। शायद अभी भी उसके पास ये बाइक होगी। तो मैंने बाइकिंग सीखी स्प्लेंडर से और डेजलर से। स्प्लेंडर मैंने अपने दोस्तों की चलाई थी। ये एवेंजर है जो मुझे कहीं मिली थी, तो मैंने फ़ोटो आपको दिखाई। और बाद में डोमिनर लॉन्च हुई थी उस समय, तो इसकी भी फ़ोटो अवेलेबल थी, तो मैं शो ऑफ कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा। और ये देखिए मेरा भाई है तुषार, जिसने मुझे गाइड किया था V15 लेने के लिए। इसके पास भी अभी KTM की बाइक होगी और उसने अब ले लिया होगा। उसको भी बाइक का उतना ही पैशन है जितना मुझे है। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी मैंने बताई आपको। अगर ये पसंद आई तो मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट था। तो V15 की कहानी बहुत ही स्ट्रगल वाली थी, जो मैं कभी फ्यूचर में बताऊंगा। अभी मैंने बस बेसिक फ़ोटोज़ आपको बताए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, ताकि आपको अच्छा लगे मेरी कहानी जानकर कि मैं बाइकिंग में कैसे आया और मेरा पहला कदम कौन सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन कर दें। और मेरे वीडियोज़ ज़रूर देखा करो, ताकि आपका लॉकडाउन पीरियड में डेली ब्लॉग्स का मज़ा ही कुछ और हो। और साथ ही इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।